1,75,000 करोड़ RBI से निकाला गया था। देश हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है, अशोक की लाठ, उसका शेर, उसका चेहरा बदल रहा है। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, कार्यक्रम वही देश की बात हरिकेश के साथ। शुरुआत में करता हूं एक छोटी सी कहानी से, अभी अभी मिली है कुछ देर पहले। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है महावीर सिंह। महावीर सिंह उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और 1975 में उन्होंने 15 साल की उम्र में ड्राइविंग शुरू की थी। ड्राइवर थे एम्बेसडर कार में, क्योंकि उस समय एम्बेसडर और फीएट, हम सब जानते हैं कि उस समय यही कारें हुआ करती थी, तो एम्बेसडर वो चलाते थे और चलाते हुए वो दिल्ली पहुंच गए, यहां पर ड्राइविंग करने लगे। ड्राइविंग में धीरे धीरे उनका मन रमा, चूंकि पढ़ाई लिखाई 5वीं तक थी, उससे ज़्यादा पढ़े नहीं थे, उनका मन रमा तो उन्होंने दो एक कार और खरीदी और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में धीरे धीरे उतरने लगे। छोटा सा बिजनेस बड़ा होता गया। 1996 में 5 से 6 कारें उन्होंने खरीद ली। जब ये बिजनेस और बढ़ा तो 2004-05 के आसपास पहुंचते उनके पास संख्या इन कारों की करीबन 17-18 के लगभग हो गई। बाद में इन्होंने बताया कि अर्टिगा के रूप में इन्होंने 15 से 16 कारें और खरीदी, वो बात है 2014-15 की। अब इनका बिजनेस बड़ा हो चुका था और लेविश हो चुका था। 19 लाख रुपए तकरीबन उनके जो किस्तें होती हैं उसमें जाते थे उन सारी गाड़ियों के। बिजनेस एक ठीक ठाक लेवल पर था, कोरोना आया और सब ध्वस्त। कोरोना के पीरियड में ना तो उनको माफ़ी मिली उस पैसे से जो किस्तें उनको दी जानी थी, ना कुछ ऐसी सहायता मिली कि जिससे उनका बेहतरी हो सके, कुछ और बेहतर बन मतलब बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। इसके बाद उनकी समस्या ये खड़ी हुई कि भाई वो कारें बेचना शुरू किए तो वो औने पौने दाम बिक रही थी क्योंकि बिजनेस ठप हो चुके थे। चारों ओर आप जानते हैं कि कोरोना काल के बाद लॉकडाउन के समय क्या स्थितियां पैदा हुई थी। ये देश की हालत है मैं बता रहा हूं। और 2020 में आपको निर्मला सीतारमण का वो बयान भी याद होगा जब 20,000 करोड़ रुपए लाए गए थे आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए और एक इनपुट डाला गया था जिससे आप बहुत बड़े बिजनेस को संभाल सकें। लोन मिलना है 1 मिनट के भीतर, बैंक में जाइए बिना किसी कागज के आपको लोन मिल सकता है। ये सारी कवायद हुई थी। महावीर सिंह जी के समय अगर बात की जाए तो ठीक ठाक हैं, कोई ऐसा बुरा हाल नहीं है कि अभी वो खाने को मोहताज हैं। लेकिन हाँ, वो जो बिजनेस इन्होंने शुरू किया था 1996 के बाद से, उसमें घटोतरी हुई और स्थिति ये हुई कि 2020 तक आते आते वो करीब करीब समाप्ति की अवस्था में है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें उन्होंने बना ली स्थिरता के साथ, अपने बच्चों को उसमें समा लिया, वो भी बच्चे भी जो उनके हैं वो भी उसमें लगे हुए हैं बिजनेस में, तो कुल मिला के बिजनेस चल रहा है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आप हर बार सुनते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करते हैं। ये 2014 के बाद से लगातार परसेप्शन गढ़ा जा रहा था और लगातार सबके सामने प्रसारित किया जाता है कि 18 घंटे वो काम करते हैं। कभी कभी आदमी सोचता है कि 24 घंटे में 18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति देश के हित में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। क्या सच है देश के हित में काम हो रहा है? क्या सही मायने में देश के हित में काम किया जा रहा है? क्या सही मायने में देश पटरी पर है, कोई खतरा नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था में बिगाड़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, रोजगार एकदम स्तरीय है, सबको रोजगार मिल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से हो रहा है, औद्योगिकरण बढ़िया से हो रहा है? एक चीज मैं कह सकता हूं कि जो दिखता है और हो भी रहा है वो है सड़कों का संजाल बिछाया जा रहा है और वो खूब बिछाया जा रहा है। मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि आपको सड़क हर तरफ दिखाई देगी। 18 घंटे काम की चेतना नरेंद्र मोदी को कैसे जगाती है, कैसे मिलती है? सुबह उनकी दिनचर्या क्या होती होगी? वो आपने एक सीन देखी थी मोर को दाना खिलाते हुए, क्या उससे शुरू होती है? आपने एक और दृश्य देखा था योग करते हुए। लगातार नरेंद्र मोदी अपने आवास में कई जगहों पे चल रहे हैं, कई तरफ से आ रहे हैं जा रहे हैं, काले रंग का सूट पहने हुए हैं, उससे शुरू होती है। आपने एक और दृश्य देखा होगा जो बीच पर कूड़ा बीनते हुए, क्या वैसा कुछ काम करते हैं? आपने एक और दृश्य देखा होगा जब प्रगति मैदान में बॉटल उठा रहे थे,
सफाई करते हुए आपने बनारस में देखा होगा, सफाई कर्मचारियों के पांव धुलते हुए आपने देखे होंगे, बहुत सारे दृश्य हैं। 8 सालों में 8,000 दृश्य होंगे आपके जहन में, याद भले ना आए लेकिन जब जब आप याद करेंगे तो आपको ये दिखाई देंगे। अब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी 18 घंटे में कौन कौन से काम करते हैं, इन कामों में उनका सहयोग कौन कौन करता है। मैं साफ सीधी बात पर आता हूं, अगर आप देखें तो देश में सिवाय चुनाव, वैश्विक भ्रमण, उद्घाटन, इसके अलावा दूसरे काम होते नजर आपको नहीं आएंगे। सड़कें बन रही हैं, जो सड़क बन रही है उसमें गडकरी का हाथ दिया जाता है, गडकरी आपको देखते नजर नहीं आएंगे, मन की बात करते नजर नहीं आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो करते नजर नहीं आएंगे, ना ज्ञान देंगे, ना मन की बात करेंगे, ना व्यापार की बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन वो सड़कों के संजाल की बात करेंगे जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। और ये हर किसी सरकार की मजबूरी होती है, मैं बहुत फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं, ये किसी भी सरकार की मजबूरी का विषय है कि उसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही है। व्यवस्था क्या कहती है? व्यवस्था ये कहती है कि नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं 18 घंटे, उसमें कौन कौन से विषय आते हैं। विषय आते हैं हिंदू मुसलमान के लिए क्या किया जाए, कैसे हिंदू मुसलमान को बांटा जाए और कैसे देश भर में चुनाव जीता जाए। 5 साल चुनाव होता है हम सब जानते हैं, हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है हम सब जानते हैं, इन सब चुनाव के प्रति उनकी पूरी भागीदारी होती है, पूरा दिमाग चलता है, ऐसा मेरा मानना है। उसका रीजन है कि आप किसी भी चुनाव की तैयारी देखिए, जोड़ तोड़ तोड़ फोड़, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, बहुत आसानी से दिखाई देंगी। कहीं भी किसी भी पार्टी को तोड़ा जा रहा होता है, कहीं भी किसी को फोड़ा जा रहा होता है, इसमें लगता कौन है? इसमें लगते हैं वो IAS जो उनके साथ गुजरात में काम करते थे। फिर से बात बता रहा हूं, वो IAS जो गुजरात में काम करते थे वो यहां ला करके बिठाए जा रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन दिया जाता है, उन्हीं से उनका सबका पड़ता है। क्यों? क्योंकि वही बेहतर उनको समझ पाते हैं। सारे IAS अधिकारियों को समझ नहीं पाएंगे कि वो चाहते क्या हैं। वो IAS समझते हैं कि उन्हें मिलना क्या है या उन्हें मन में उनके मन में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें उनके विचार में रहती है। और वो एक ही बात है, चुनाव जीतना, सरकार गठन करना, पूरे देश भर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार का होना, ये उनकी बहुत ज़रूरत की चीज़ है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर सरकार के पास एक बजट होता है साल भर का, हर राज्य का एक 3 लाख 4 लाख 5 लाख जैसा करोड़ के जैसा बजट होता है और वो उन्हें मिलता है और उससे भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा सहयोग मिलता है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही बहुत बड़ी पार्टी, विश्व की बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे पैसे वाली पार्टी ऐसे ही नहीं हो जाती है। तमाम प्रचार प्रसार में आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े विहंगम दृश्य, पोस्टर ही पोस्टर, हजार हजार करोड़ रुपए के खर्च होते हैं सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनकी पूरी टीम आ रही है। और ये दृश्यावली आपके जहन में इस तरीके से बैठती जाएगी कि कभी किसी समय रोम में जब बवाल हो रहे थे तो राजा वहां के क्या करते थे कि खूब बड़ा जलसा करवाते थे। आप सिर्फ उन जलसों में व्यस्त रहें, तमाम बेसिक बातों से, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आप इन सब चीजों से दूर रहें। ये सारी चीजें एकदम साफ साफ उभर कर आती हैं। अगर यही चेतना है और यही 18 घंटे का काम है तो देश का जो हाल होने वाला है या देश जिस दिशा में बढ़ रहा है उससे आपको डरना चाहिए। एक पॉइंट मैं और कहूंगा, टैक्स अभी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है सबको, टैक्स खूब लिया जाता है, उस टैक्स का यूज होता है देश के विकास में, लेकिन यहां समस्या दूसरी है। वो सारे टैक्स इसलिए यूज होते हैं ताकि आप किसी भी तरीके से अपनी पार्टी को जितवा सकें, तमाम दूसरी पार्टियों को खत्म कर सकें, दबाव समूहों को खत्म कर सकें ताकि वो दबाव समूह आपके ऊपर किसी तरह का दबाव न ला सकें, इसी तरह के तमाम उन सामाजिक सरोकारों को रखने वाले लोगों को खत्म किया जा सके, पत्रकारों को खत्म किया जा सके, तमाम ऐसी चीजों को खत्म किया जा सके जो आप पे सवाल उठाते हैं, उन सवालों को खत्म करने के लिए ही वो पैसा काम आता है। ज्ञान की बातें करते हैं, मन की बात करते हैं, व्यापार की बात करेंगे, 20,000 करोड़ रुपए दे देंगे, कुछ किसी की समझ में नहीं आता कि वो पैसा आता कहां से और जाता कहां पर है। 1,75,000 करोड़ RBI से निकाला गया था, आपको ध्यान होगा कि कंटिंजेंसी फंड के तौर पर उसको निकाला गया था आपातकालीन स्थितियों में, वो पैसा कहां है किधर है कुछ पता नहीं, PM केयर फंड किधर है कहां है कुछ पता नहीं। 18 घंटे के काम की दशा दिशा ये है, एक सुबह से उठना, मोर को दाना चुगाना, योग करना, ये सारी चीजें होती रहती हैं, लगातार होती रहती हैं, या तो केदारनाथ में अपनी दृश्यावली भेंट
प्रस्तुत करते नजर आएंगे, या तो काशी विश्वनाथ में नजर आएंगे, या तो आपके अयोध्या में मंदिर बनाते नजर आएंगे, शिव पूजन करते नजर आएंगे। अभी हाल का दृश्य है जो आपने देखा होगा बिहार में जा करके। तो कहने का मतलब, देवघर में अगर आप पूजा करने का समय निकाल पा रहे हैं, एक व्यंग चला था जब शिंजो आबे आए थे और घंटों आरती देखी गई थी, कहा गया था इस देश को बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है जब 6-6 घंटे प्रधानमंत्री बैठ करके आरती देख सकते हैं। आप याद करिए पीछे के प्रधानमंत्रियों को, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करिए, किसी और को मैं नहीं कह रहा, नरसिम्हा राव को याद करिए, आप मनमोहन सिंह को याद करिए, ये लोग कब ऐसी बातों पर नजर आते थे, किस तरह के उद्घाटनों में नजर आते थे। 18 घंटे के काम की दिशा दिशा क्या यही होती है? बार बार मैं 18 घंटा इसलिए चिन्हित कर रहा हूं कि 18 घंटे जो देश के लिए काम किया जाना चाहिए, वास्तविकता यह है कि उससे कहीं कोई सरोकार है ही नहीं। 8 साल बीत चुके हैं, 9वां साल चल रहा है, 1 साल 2024, अब इसकी लड़ाई जारी है। पैसा आवंटित हो रहा है, प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा, लगातार इस दिशा में काम होगा कि नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करते हुए देश को इस कदर यहां तक ले आए। जो चिन्ह होते हैं, चिन्हों की बात करें तो चिन्हित जो चीजें हैं उनको कैसे तोड़ा जा रहा है। संसद भवन सेंट्रल विस्टा बदल रहा है, अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल बदल रहा है, अशोक की लाठ, उसका शेर, उसका चेहरा बदल रहा है, खूंखार शेर दिखाया जाना, और उस पर भी तुर्रा ये कि आपको ये बताया जा रहा है कि ये इसलिए क्योंकि देश अब शांत नहीं है, आक्रामक है। आप साम्राज्यवाद की नीतियों को अपनाना चाह रहे हैं? कौन सी नीतियां आपके लिए श्रेयस्कर हैं, जरा सोचिए। देश को चाहिए शिक्षा, देश को चाहिए रोजगार, देश को चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, देश को चाहिए स्वास्थ्य और तमाम ऐसी चीजें जिससे आप बेहतर की ओर बढ़ सकें। विश्व में अगर आप निगाह डालें तो दो महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला ये कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति और ब्रिटेन में आप जान रहे हैं ऋषि सुनक, जिनका नाम उभर कर आ रहा है। देश के ये युवा विदेशों में उन धरती पे जाकर के उनकी पॉलिटिक्स को संभाल रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या ऐसे नाम और ऐसे चेहरे हैं ही नहीं? अकेले नरेंद्र मोदी हैं जिनके भाव में, जिनके दिमाग में केवल एक चीज़ है, हिंदू मुसलमान करो, धर्म की अफीम पिलाओ, धर्म के बारे में घेरे रहो, देश हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है। फर्स्ट अमेरिका का क्या हाल है? फर्स्ट श्रीलंका में जो फर्स्ट सिंगली है उसका क्या हाल है? तालिबान में क्या हाल है? पाकिस्तान में क्या हाल है? इन सबको अगर आप जोड़कर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो देश हित के लिए नहीं, वो अपने लिए कर रहे हैं। ये अहम भाव है और बहुत स्पष्ट है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए और जुड़ते रहिए न्यूज नशा से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।